नमस्कार, लाइव टीवी समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों से। गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान से किया वर्चुअल संवाद। बांदा जनपद के बबेरू ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत उमरी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल योजना, जल शक्ति, जल संरक्षण के संबंध में ग्राम प्रधान से वर्चुअल संवाद किया। इस मौके पर मंडल से लेकर जिला और तहसील प्रशासन और सांसद विधायक सहित आला अधिकारी मौजूद रहे और पूरा गांव छावनी में तब्दील रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद के समय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से गाँव में आने जाने वाले वचनों को रोक रखा था, किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पूरा मामला बबेरू ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत उमरी गांव का है, जहां पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम प्रधान गिरजा कांत तिवारी से वर्चुअल संवाद किया। इस संवाद में विकास कार्यों और जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत स्वच्छ जल और जल संरक्षण को लेकर वर्चुअल संवाद किया और ग्राम पंचायत उमरी में जल संरक्षण के तहत हर घर जल पहुँचाने का कार्य किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ पाइप, पेयजल उपलब्धता, जल संरक्षण और जल दोहन रोकने पर चर्चा किए। वहीं महिलाओं से भी चर्चा की कि पहले पानी के लिए गांव में क्या समस्या होती थी और अब घर घर में पेयजल पहुंच रहा है तो अब कैसा लग रहा है। इस विषय में महिलाओं ने भी कहा कि पहले दूर से पानी लाना पड़ता था और अब हमारे घर में ही नल लगा हुआ है, जिससे कभी भी बाहर पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता और घर में ही पानी मिल जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा और जिस प्रकार से हर घर जल योजना के तहत हमारे गांव में घर घर नल की टोटी लगाई गई है और घर घर पानी पहुंच रहा है, उसमें मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद करता हूं और यह भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे ही गांव को चुने और मुझसे वर्चुअल संवाद किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहीं वर्चुअल संवाद के समय उमरी गाँव में बैरिकेटिंग लगा दी गई और गांव और बाहर लोगों को आने जाने से रोका जा रहा था। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भारी पुलिस बल लगाया गया था ताकि कार्यक्रम के समय लोग गांव के अंदर ना जा सकें। इस मौके पर बांदा चित्रकूट सांसद आरके पटेल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी रवि मौर्य, वहीं सुरक्षा के डेट से बांदा सीओ सिटी राकेश कुमार सिंह, बबेरू पुलिस क्षेत्र अधिकारी सियाराम और बबेरू कोतवाली प्रभारी नागेंद्र कुमार नागर, कमासिन थाना प्रभारी रामाश्रय सरोज, मरका थाना प्रभारी, बिसंडा थाना प्रभारी सहित सर्किल के सभी थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से रामू तिवारी की रिपोर्ट। उमरी में रहती कैसा लगा रहे आज का कार्यक्रम? तो बढ़िया लॉक डाउन हो गया। गांव में अब पानी की कोई समस्या है? पानी की जो गांव में समस्या है वो समस्या जो थी वो नहीं रह जाएगी। अभी समस्या है की, लेकिन अब नहीं रह जाएगी। पहले क्या समस्या नहीं थी? पहले क्या समस्या थी? कोई ज्यादा समस्या नहीं थी। दो साल पहले पानी कहाँ से लाती थी आप? पहले पीने पानी नलों से लाते थे, दूर दूर हैंड पंप रहते थे, वहाँ से आता था। हर घर नल योजना, मतलब सप्लाई वाला पानी पहुँच चुका है। हर घर नल योजना से फायदा मिला है? हाँ मिला है। सब कितने घरों में गांव में पानी आ रहा है? हर घरों से लगभग कोई घर नहीं ऐसा बाकी रहेगा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा देवी है। क्या सबको जब शुरू में जब आपने कहा होगा कि ऐसा नल से जल मिलने वाला है तो लोग विश्वास करते थे और अब जब मिल गया तो उनको लगता है कि चलो एक अच्छा काम हुआ? गांव के लोग महसूस करते हैं क्या? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं इस परियोजना से और खुशी खुशी सारे लोग उसका प्रयोग करते हैं। तिवारी जी, मैं एक और बात जानना चाहता हूं। क्या आपके गांव में मैंने जो शौचालय का अभियान चलाया था तो शौचालय तो बन गए होंगे, लेकिन क्या सब परिवारों में शौचालय का उपयोग होता है क्या? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव में हर घर में शौचालय बना हुआ है और मेरे गांव के सभी लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, जिससे प्रदूषण, गंदगी और बीमारी नहीं होती है। गिरिजाकांत जी, मैं आपको और आपके गांव के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आपने इस काम के लिए इतना परिश्रम किया। हमारे बुंदेलखंड की बहनों बेटियों को जो समय अपने भविष्य के लिए लगाना चाहिए,
उसमें उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ता था। अब धीरे धीरे ये स्थिति बदल रही है। पिछले 6-7 सालों में हमारी यही कोशिश है कि हमारी बहनें, बेटियां, माताएं, उनको हम सशक्त करें, उनकी गरिमा और बढ़ाएं। उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, उसमें भी महिलाओं का नाम, मुद्रा लोन, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना और अब जल जीवन मिशन, एक के बाद अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला, इसी संकल्प के प्रयास है। आप सभी इस संकल्प के साझेदार बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी। आइए अब हम गुजरात चलते हैं। किस तरह का कार्यक्रम था और क्या इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या हुआ? ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में और हमारे बुंदेलखंड में और विंध्य क्षेत्र के दो जिले हैं, इन जिलों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से पानी को योजना है। उसी क्रम में आज यूपी से आपका ये उमरी का नाम सेलेक्ट हुआ था। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो जल समितियाँ हैं और जो यहाँ के जल समिति पानी समिति के अध्यक्ष हैं, प्रधान जी से बात की है और पानी की महत्ता के बारे में। सर पहले क्या समस्याएं थी, अब क्या सुविधा हो गई है? अगर यहाँ बुंदेलखंड से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ जो लोग कुओं से, हैंडपम्प से और बहुत पहले आज से 25-30 साल पहले चले जाए तालाबों से पानी पी सकते हैं, तो पानी को लेकर बहुत समस्याएं थी। लोग बहुत समय लोगों का पानी में ही जाता था, पानी लाने में महिलाओं का भी समस्या थी। अब चूँकि हर घर से जब नल से पानी जाएगा तो उसका समय मिलेगा, महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेगी, आदमी अपना और रोजगार का काम भी करेगा, इससे काफ़ी फायदा होगा। सर बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या ही पानी थी, तो प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम कितनी असरदार साबित होगी बुंदेलखंड के लिए? खासकर बुंदेलखंड के लिए तो ये वरदान होगी, क्योंकि पानी की समस्या और बुंदेलखंड के सारे 7 जिले और विंध्य क्षेत्र के जिले हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो जल जीवन मिशन योजना है, प्रधानमंत्री इस स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टीवी समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।